माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद, आप लोगों को सत सत नमन। कहानी है 1850 के पहले की, जब वो या उस क्षेत्र में जैव विविधता का स्तर बहुत उच्च था। जैव विविधता का स्तर बहुत उच्च था। फिर 1960 में ऐसी घटना होती है कि वर्तमान समय में उसमें जैव विविधता का स्तर उतना उच्च नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ विक्टोरिया झील की। क्या विक्टोरिया झील? ये दूसरी सबसे बड़ी झील है क्या विश्व में? दूसरी सबसे बड़ी झील है और फ्रेश वाटर की। क्या फ्रेश वाटर की कह सकते हैं? अलवणीय, ठीक है। क्या दूसरी सबसे बड़ी झील है? इस झील के चारों तरफ अगर ये हम झील बना दें तो इसके तरफ तीन देश हैं जो सामान्यतः प्री एग्जाम में पूछा जाता है। एक देश है तंजानिया। क्या एक देश है तंजानिया? एक है युगांडा और एक है केन्या, ठीक है। तीन देश हैं जो इसके तट पर हैं। विक्टोरिया झील 1950 तक विक्टोरिया झील में जो स्पीसीज थी, जितनी प्रजाति थी, कम से कम 400 थी। 400 प्रजातियों का आप कह सकते हैं घर था, और स्पेशली मछली के संदर्भ। वहां पर एक मछली पाई जाती थी, उसका नाम था चिक्लिड। क्या नाम था? चिक्लिड, ठीक है। ये मछली पाई जाती, ये मछली की मात्रा अधिक थी और इसे आसानी से, इसको जो समुदाय के लोग थे वो उस तट पर, इस तट पर जो समुदाय के लोग थे वो आसानी से इसको मार लेते थे और उनका जीवनयापन भी चलता था, और ये इतना तेजी से बढ़ती थी कि वहाँ पर कोई समस्या नहीं थी। अब क्या हुआ? अब लोगों ने सोचा कि इससे भी अच्छी मछली लाई जाए जो बहुत तेजी से बढ़े। क्या बहुत तेजी से बढ़े? और जिसकी प्रजाति बहुत अच्छी हो। अगर हम नेचर में देखें तो कोई प्रजाति अच्छी और बुरी नहीं होती, सभी प्रजातियों का अलग अपना अपना रोल होता है। तो 1960 में लाया जाता है एक प्रजाति जिसका नाम है नील पर्च। एक मछली है नील पर्च। इस मछली को डाला जाता है 1960 में विक्टोरिया झील में। स्थिति ऐसे आती है 1980 तक कि ये स्पीसीज गायब, सारी स्पीसीज की गायब, और इस ये स्पीसीज बची। अब ये स्पीसीज का जनन उतना अच्छा नहीं था क्योंकि प्रजातीय स्तर पर अच्छी थी, तो इसने इसको हटा दिया और ये आ गई। और इस पर किसका? ठेकेदारों का नियंत्रण हो गया। क्या? ठेकेदारों का नियंत्रण हो गया। अब जो अगल बगल के समुदाय थे क्या हुए? सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। एक तो इकोसिस्टम झील का खराब हुआ और अगल बगल के समुदाय भी क्या हुए? सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, आज भी प्रभावित हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी। हम लोग आज बात करेंगे जलीय परितंत्र में मैंग्रोव। क्या मैंग्रोव? मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव इसको हम समझते हैं, जो आप कह सकते हैं पौधा। क्या मैंग्रोव प्रकार का पौधा? ये झाड़ी नुमा भी होता है और पेड़ नुमा भी होता है। क्या झाड़ी नुमा?
और पेड़ भी होते हैं, यानी छोटे भी होते हैं ये और बड़े भी होते हैं, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे तटीय क्षेत्र में। क्या? तटीय क्षेत्र में। जैसे ये अपना है इनक्रेडिबल इंडिया। क्या? ये है अपना इनक्रेडिबल इंडिया, और यहाँ पर नदियाँ आती हैं, गिरती हैं, ठीक है। तो ये जो तटीय क्षेत्र है, यहीं पर इन वनस्पतियों का क्या होता है? वास होता है। क्या? इन वनस्पतियों का यहीं पर वास होता है, ठीक है। स्थान आपको क्लियर हुआ? विश्व में मैंग्रोव वनस्पति कैसे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे चित्र में। तो ये भारत की क्या हो गई? साइटें हो गई, जहां पर साइट मतलब स्थल हो गया जहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, ठीक। क्या मैंने बताया? पहला पॉइंट झाड़ी नुमा होगा और पेड़ नुमा होगा। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे तो ये समुद्र है, समुद्र का जल क्या होता है? लवणीय होता है। क्या? समुद्र का जल लवणीय होता है। तो ये लवणीय जल के प्रति क्या होंगे? सहनशील होंगे। क्या? लवणीय जल के प्रति प्रति सहनशील, ठीक है, सहनशील होंगे। ये पॉइंट हो गया। ये वनस्पति, ये मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। क्या? उष्ण और उपोष्ण, ठीक है, ये उष्ण और उपोष्णकटिबंध में मुख्यतः रूप पाई जाती है। और अगर पॉइंट के रूप में इनमें देखें तो अंटार्कटिका हो गया और यूरोप, अगर महाद्वीप में देखें तो यूरोप में आपको ये लगभग नहीं मिलेगा और अंटार्कटिका महाद्वीप में लगभग नहीं मिलेगा, और थोड़ा बहुत हर महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। अब आप क्या बता सकते हैं? मैंग्रोव वनस्पति ऐसे वनस्पति हैं, या मैंग्रोव पेड़ पौधे, मैंग्रोव वनस्पति ऐसे वनस्पति हैं जो झाड़ी नुमा तथा पेड़ नुमा दोनों प्रकार के होते हैं। ये लवणीय जल के प्रति सहनशील होते हैं। क्या? लवणीय जल के प्रति सहनशील होते हैं तथा उस तथा उपोष्ण क्षेत्र में विशेषकर पाए जाते हैं। तथा उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्र में विशेषकर पाए जाते हैं। ये आप परिभाषा में सारी विशेषता को शामिल करते हुए क्या मैंग्रोव वनस्पति के बारे में बता सकते हैं, ठीक। क्या है? परितंत्र है, जलीय परितंत्र है, इसका महत्व है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये हमने विशेषता बताई और अगर ये मैंने विशेषता के आधार पर परिभाषा देने की कोशिश की, अब अगर इसकी विशेषता अगर पूछा जाए कि विशेषता क्या है, तो विशेषता भी हम लोग देख लेते हैं। पहली विशेषता हम वहीं से निकालेंगे, कहां से? लवणीय जल के प्रति प्रति सहनशील। क्या? लवणीय जल के प्रति सहनशील होंगे। अगर इन पौधों को छोड़ दिया जाए, बहुत कम पौधे हैं जो लवणीय जल में जीवित रह सकते हैं, कोई जीवित नहीं रह सकता। क्या होंगे लवणीय जल के प्रति? क्या होंगे? ये सहनशील होंगे ये। और क्या होंगे? सदाबहार टाइप के होंगे। क्या? सदाबहार। सदाबहार का मतलब हर समय हरे भरे रहते हैं, सदाबहार होंगे। उनकी पत्तियां गिरती नहीं है, जैसे पतझड़ वन या अपने देश में जो अधिकांश वन पाए जाते हैं, वो गर्मी आती है तो पत्तियां गिरा देते हैं, तुमको पतझड़ बोलते हैं। अगर पत्तियां नहीं गिराएंगे तो उनको सदाबहार बोल देंगे, ठीक है। और विशेषता क्या बता सकते हैं? हम कह सकते हैं तटीय क्षेत्र में। क्या? तटीय क्षेत्र में, या क्या ज्वारनद मुख, एस्टुरीज ज्वारनद
मुख, जानना मुखीय क्षेत्र में, ऐसा कह सकते हैं, क्षेत्र में विशेषकर क्या पाए जाते हैं, क्या जार नरमुखीय क्षेत्र में विशेषकर पाए जाते हैं। और क्या इनकी विशेषता होती है? ये इनके जड़ का प्रकार ऐसे होता है ना कि ये लवणीय जल से क्या अलवण जल निकालते हैं। क्या यहाँ पर लिखेंगे? जड़, इनकी जड़ ऐसे होती है, जड़ में विशेषता, क्या विशेषता? कि वो लवणीय जल से भी क्या प्राप्त करते हैं, अलवण यानी फ्रेश वाटर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जड़ की बात की है तो इसमें एक जड़ पाया जाता है जिसका नाम है न्यू मेटाफोर्स। क्या जड़ का क्या नाम है? न्यू मेटाफोर्स। अब न्यू मेटाफोर्स एक क्या है? न्यू मेटाफोर्स एक प्रकार का क्या है? जड़ है। क्या न्यू मेटाफोर्स एक प्रकार का क्या? जड़ है। ठीक है, अब जैसे ये जड़ है तो इस जड़ में ऐसे ऐसे छोटी छोटी गांठें रहती हैं। क्या गांठें रहती हैं? गांठें इसलिए रहती हैं कि लवणीय जल इसमें जा ना सके। क्या लवणीय जल इसमें ना जा सके, इसलिए क्या होती हैं? गांठें होती हैं। तो इन गांठों को क्या हम कहते हैं? इन गांठों को न्यू मेटा फोर्स कहते हैं, या पूरे जड़ को आप न्यू मेटा फोर्स के रूप में समझिए। ठीक है, और एक जड़, इसी जड़ में एक टाइप की जड़ होती है जिसको आप न्यू मेटा फोर्स में और थोड़ा कुछ जानेंगे। क्या मैंने बताया? गांठ युक्त जड़ होती है। अब ये तो गांठ युक्त है इसलिए क्योंकि ये लवण जल इसमें ना जा सके, और अब ये जल भरा हुआ है। क्या जल भरा भरा हुआ है? ठीक है, अब पेड़ की जड़ इससे बाहर आएंगी। क्या बाहर आएंगी? यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब बाहर आकर ये क्या लेंगे? जो यहाँ पर स्थिति क्या थी? ऑक्सीजन कुछ यहाँ पर है नहीं, लवणीय जल है, तो ये बाहर निकल कर क्या अपने जड़ को बचाए रखती हैं, और अंदर जो अनाक्सी स्थिति है यानी बिना ऑक्सीजन की जो स्थिति है उसको बाहर आकर क्या संतुलित करती हैं। क्या संतुलित करती हैं? ठीक, जड़ के बारे में। एक जड़ और होता है जिसको बोलते हैं स्टिल्ट। क्या स्टिल्ट जड़? क्या स्टिल्ट जड़? इसी की इसी में इस प्रकार का जड़ पाया जाता है, स्टिल्ट जड़। अब जो स्टिल्ट, ठीक है, स्टिल्ट जड़, अब स्टिल्ट जो जड़ है वो कह सकते हैं मुख्य शाखा पर, जैसे ये कोई पेड़ है और फिर यहां जड़ निकली। क्या यहां जड़ अगर निकली तो इस जड़ को क्या स्टल्ट जड़ बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है? विशेषकर मैंग्रोव टाइप की वनस्पति जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, जड़ की बात हो गई। अगली विशेषता इनकी क्या है? इनके बीज, इनके बीज पेड़ में ही अंकुरित होते हैं, पेड़ में ही अंकुरित होते हैं। इतनी कम से कम इनकी विशेषता को आपको जानना है। क्या और ये न्यू मेटाफोर्स और स्टिल्ट या स्टिल्ट जड़, इनके बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये कौन सी जड़ है? ये बगल में जब निकलती हैं मुख्य शाखा पर कहते हैं, और ये जब पानी से बाहर निकल कर क्या आती हैं, ऑक्सीजन की स्थिति को बनाती हैं, तो इनको न्यू मेटाफोर्स और स्टिल्ट जड़ कहते हैं। और इतनी हमने विशेषता बताई। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब क्या, अब मैंग्रोव वनस्पति की हमने चर्चा कर ली, उसकी विशेषता देख ली,
और कैसे वनस्पति है, किस प्रकार की है, सब कुछ हमने देखा। अब हम देखते हैं क्या कि भारत में स्पेशली, क्या भारत में स्पेशली ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या भारत में स्पेशली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये अपना इनक्रेडिबल इंडिया, यहाँ से शुरुआत कर जहाँ जहाँ इंसान है हर जगह पाए जाते हैं। इन तटीय जितना भाग है पूरे तटीय भाग में क्या ये पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है, बोलेंगे ये पश्चिमी तट पर नहीं पाया जाता, क्या मैंग्रोव वनस्पति पश्चिमी तट पर नहीं पाया जाता, लेकिन पाया जाता है कोई भी तट पर तो स्पेशली पाया ही जाता है, इसलिए ये ज़्यादा रहता है क्या न्यूज में, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पश्चिम बंगाल के पास, तो उस पूर्वी का ज़्यादा महत्व रहता है, लेकिन इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि पश्चिम में भी क्या पाया जाता है, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, क्या पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक ठीक है, देश का अधिकांश मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक। अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया है कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है तो दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, आपको क्या सुमेलित करने के लिए दे सकते हैं। तो पहला अगर हम पश्चिम बंगाल देखें, पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा गुजरात, आपको क्या दूसरा गुजरात है आपका, तीसरा अंडमान, क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरे को जोड़ना है, और अगला आंध्र प्रदेश, क्या अगला आंध्र प्रदेश, अगला आंध्र प्रदेश। तो आप पश्चिम बंगाल गुजरात को आप जानिए, तो ये क्रम है, 4 नंबर तक क्रम है, इसको भी आपको जानना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है छोटे एग्जाम में, सामान्य सी बात है, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में एक जिला है, खासकर जिला भी पूछा जा सकता है, कौन सा जिला सबसे ज्यादा, तो 24 परगना जो जिला है इसका, क्या 24 परगना जिला में सबसे ज्यादा, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे, क्या दूसरा वेस्ट बंगाल के अलावा, वेस्ट बंगाल सुंदरबन, क्या सुंदरबन जो है सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, ये सुंदरबन आप देख लीजिए यहाँ पर सुंदरबन में, ठीक सबसे अधिक है। अब सुंदरबन के बाद दूसरा कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा अधिक है, पूछा गया है ये भी एग्जाम में, वो क्षेत्र है भीतर कनिका, क्या भीतर कनिका, ठीक है। भीतर कनिका में दूसरा नंबर पर आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्र है मैंग्रोव वनस्पति, ठीक। भीतर कनिका कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है। अगला अगर देखें तो गुजरात, गुजरात का क्षेत्र कह सकते हैं कच्छ का रण, क्या गुजरात का जो क्षेत्र है क्या कह सकते हैं उसको, कच्छ का रण, और कोरी क्रीक को आप देखिएगा मैप में कच्छ के रण के पास, ठीक है, वहां पर आप देखिएगा इसको। अगला तमिलनाडु में एक क्षेत्र है जो एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इचवरम, कहाँ पर है क्षेत्र, इचवरम मुथुपेट, इचवरम है मुथुपेट है दोनों तमिलनाडु में है, तो इसको भी आपको जानना है। तो ये इसके बारे में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मैंने आपको बताया। अब इनकी
भूमिका क्या है, इनका कह सकते हैं महत्व क्या है, क्या इनकी भूमिका क्या है या महत्व क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। फायदा आप कह सकते हैं, वहाँ तो फायदा एक ही है, एक नहीं है लेकिन यहाँ पर एक ही है, इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट। पहला, ये जब कभी भी ज्वार आता है, क्या ज्वार आता है मतलब पानी, समुद्र का पानी अचानक स्थल की जब चलता है तो ज्वार के पर क्या करते हैं, ज्वार को कम, ज्वार की गति को, ऐसे ज्वार की गति को कम करते हैं, ठीक है। अब ज्वार की गति को कम करेंगे तो उसी स्थान पर आप तूफान भी लिखते हैं, क्या तूफान भी लिखते हैं, चक्रवात भी लिखते हैं, क्या चक्रवात भी लिखते हैं, ठीक। दूसरा, इनका महत्व क्या है, जिस तरह एस्टरीज काम करती है उसी तरह ये भी क्या करते हैं, ये भी अपरदन को रोकते हैं, क्या अपरदन को रोकते हैं। यहाँ पर आप सुनामी भी लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर आप सुनामी भी लिख सकते हैं। दूसरा, इनका महत्व क्या है, अपरदन, वो भी तटीय अपरदन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तटीय अपरदन को रोकते हैं, ठीक है, तटीय अपरदन को रोकते हैं। और क्या काम है इनका, जिस तरह एस्टरीज काम करती हैं उसी तरह इनको भी आप बता सकते हैं, क्या इनका तीसरा काम क्या, अगल बगल के समुदाय को क्या देती हैं, रोजगार देती हैं, समुदाय को रोजगार देती हैं, ठीक है। और क्या इनको महत्व बता सकते हैं, एक महत्व और लिख सकते हैं कि ये क्या है, यूनिक प्रकार का पैतंत्र है, क्या यूनिक प्रकार का परितंत्र है, इतनी आप इतना आप क्या बता सकते हैं, इतना महत्व बता सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या संकट है ये देख लेते हैं, क्या इनका ये महत्व हो गया। अब संकट क्या क्या है, क्योंकि जितने भी हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं उन पर क्या कृषि कृषि जमीन में के रूप में परिवर्तन, पहला यही हो गया, ठीक है। अगला संकट क्या हो सकता है, कृषि हो गया, ईंधन के रूप में, क्या ईंधन के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाने लगा है, क्या ईंधन के रूप में, अब ईंधन के रूप में अगर ऐसी लकड़ियों का प्रयोग करेंगे तो इतना तो है नहीं कि वो पुनर्जनन होता रहेगा उसका, इनकी इनका जो कह सकते हैं क्षेत्रफल है बहुत कम है, क्या बहुत कम है, तो इनका ईंधन के रूप में प्रयोग भी हम नहीं कर सकते, क्या प्रयोग भी नहीं कर सकते। अवशिष्ट का यहाँ जमा होना, क्या हम लोगों ने अवशिष्ट को बात किया है इस सीरीज में, अब अवशिष्ट में हम दोनों अवशिष्ट लिख सकते हैं, घरेलू पहले आप औद्योगिक लिखेगा और औद्योगिक दोनों लिख सकते हैं, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, जलाभाव और जल भराव, क्या जलाभाव यानी कि सेम वही आपको बताना है कि नदियों को बांध दिया गया है तो जल भराव जलाभाव की स्थिति होती है। दूसरा पॉइंट आप इसी पर लिखेंगे, कल जलवायु परिवर्तन के कारण, क्या जलवायु परिवर्तन के कारण कभी कभी जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो पूरा मैंग्रोव वन पर डूब जाता है, लगभग पूरा मतलब नहीं कि जितना बड़ा है उतना डूबता है, लेकिन बहुत जो उसकी जड़ें बाहर निकल कर सांस लेती हैं वो सब डूब जाती हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या ये भी आप लिख सकते हैं। और प्लास्टिक, प्लास्टिक का जमाव इन क्षेत्रों में, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या
संकट है इस पर। लगभग हम लोगों ने सारे संकट की बात कर ली। एक अगर आप लिखना चाहें तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को आप एक टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है मैंग्रोव वनस्पति के। ठीक, तो इतना क्या है संकट। पहले प्रमुख संकट को देखें तो अगला जो प्रमुख संकट है वो है आयल रिसाव। क्या आयल रिसाव? ठीक, आयल रिसाव मतलब जीवाश्म तेल। जो जीवाश्म तेल का इधर से उधर यानी कि एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, हस्तांतरण होता है, क्या हस्तांतरण होता है, तो कभी कभी क्या कभी कभी समुद्र में आयल का रिसाव होने लगता। क्या टैंकर से ले जा रहे हैं उससे रिसाव हो गया, या बहुत सारे आयल जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे जीवाश्म जो क्षेत्र हैं वो क्या समुद्र में ही हैं क्या, और समुद्र में ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग मतलब जैसे ये यहाँ पर तेल भरा हुआ है और ये है समुद्र अपना, अब यहाँ से छेद किया जाता है। ड्रिलिंग का मतलब छेद किया जाता है और यहाँ पहुँचाया जाता है। यहाँ पहुँचाया गया तो अब आएगा बाहर की तरफ, तो ड्रिलिंग करते समय क्या हो जाता है, ड्रिलिंग करते समय भी रिसाव हो जाता है, टैंकरों से भी रिसाव हो जाता है, ड्रिलिंग करते समय भी रिसाव होता है। तो रिसाव जो है बहुत बड़ा संकट है मैंग्रोव वनस्पति के लिए। क्या बहुत बड़ा संकट है। अब संकट हम लोगों ने देख लिया तो हम लोग देख लेते हैं निदान। क्या निदान? निदान में हम क्या करेंगे, पहला जो समस्या है उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। आयल रिसाव पर रोक। क्या आयल रिसाव पर रोक? पहला तो आप यही काम करिए, ठीक है, आयल रिसाव पर रोक लगाइए। दूसरा क्या किया कर सकते हैं, कृषि जो विस्तार हो रहा है मैंग्रोव क्षेत्र में उस पर रोक। कृषि विस्तार पर रोक, जो मैंग्रोव क्षेत्र है उस पर बात हो रही है। ईंधन के रूप में जो मैंग्रोव वनस्पति हैं उनके अगर सूखे कहते हैं सूखा अरे उनका जो लकड़ी है उसका प्रयोग किया जाता है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सूखा नहीं अगर क्या कहेंगे ताजा या जीवित पौधे को लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा हरा तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और क्या खनन को इस क्षेत्र में खनन ना किया जाना चाहिए। क्या खनन पर रोक? और क्या हो सकता है, खनन उद्योग जो औद्योगिक जो अवशिष्ट हैं, क्या औद्योगिक जो अवशिष्ट हैं, अब औद्योगिक के साथ आप घरेलू भी जोड़ दीजिए, घरेलू अवशिष्ट पर क्या रोक होना चाहिए। उर्वरक का वहाँ इस्तेमाल ना किया जाए। क्या उर्वरक, अगर आप उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो अगल बगल जो कृषि क्षेत्र है उसमें उर्वरक का इस्तेमाल ना किया जाए। उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो वो जाता है कहाँ पर, मैंग्रोव क्षेत्र में, और मैंग्रोव को नुकसान पहुँचाता है। ठीक, तो इतना आप क्या कह सकते हैं रोक लगा सकते, क्या कह सकते हैं निदान, आप इतना आप बता सकते हैं। ठीक है, और आप सोच कर खुद लिखिएगा दो तीन निदान 5-6 टॉपिक में आपका। अगला जो टॉपिक है, अब निदान हो गया तो क्या कोई कार्य इसके लिए हो रहा है, क्या कोई कार्य इसके लिए हो रहा है इसको हम देखते हैं। एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। क्या मैंग्रोव फॉर फ्यूचर? मैंग्रोव फॉर फ्यूचर सन 2004 में आता है क्या सुनामी, और पूरे विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा तबाही करता है। विश्व स्तर का मतलब पूरे विश्व में नहीं, जहां भी करता है, हिंद महासागर में आया था। तो ये आप कर सकते हैं, ये जो क्षेत्र थे हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इनमें बहुत ज्यादा क्या तबाही मचाया, तो मैंग्रोव का सबसे ज्यादा विनाश भी हुआ। तो 2006 में
2006 में एक संस्थान है जिसका नाम है IUCN, क्या IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक संस्थान है यूएन का, UNDP, क्या UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये प्रोग्राम लॉन्च किया सन 2000, ठीक है। और इसमें देश कितने देशों को शामिल किया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो देश थे, बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, कंबोडिया, लंका, म्यांमार, मालदीव, सेशल्स, इंडोनेशिया, ठीक है। इतने देश थे, क्या इतने देश थे, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड भी हो गया, वियतनाम बचता है, वियतनाम। इतने देश थे, क्या सदस्य बनाया गया इसका, इतने देश को सदस्य बनाया गया। पाकिस्तान भी है, ठीक, इतने देश इसके सदस्य हैं। अब इसमें कुछ फोकस देश बनाया गया, जो प्री एग्जाम में पूछा जाता है कि फोकस देश कौन है, तो मैं डैश कर रहा हूँ, उनको आपको लिखना है। भारत को लिखना है, थाईलैंड को लिखना है, इंडोनेशिया को लिखना है, लंका को लिखना है, और सेशल्स को लिखना है, और मालदीव को लिखना है। छह देश हैं, क्या फोकस देश, प्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो संख्या कितनी है, छह, हमने डैश कर दिया है, इसको आप तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ दो चार शब्द हैं प्री के टाइप के, उनको देख लेते हैं। इकोसोफी, क्या इकोसोफी का मतलब होता है कि पर्यावरण के साथ क्या घोल मेल रहकर सौहार्द सौहार्दपूर्ण संबंध, ठीक है। अब किसने इस शब्द को दिया, यही काल ये आपको केवल जानना है, ठीक है। इसमें अर्नीस न्यस, इकोसोफी का मतलब मैंने बता दिया, क्या सौहार्दपूर्ण संबंध, वातावरण मनुष्य का सौहार्दपूर्ण संबंध, ठीक। दूसरा एक शब्द है गहन पारिस्थितिकी, क्या गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी में क्या कहा जाता है, डीप इकोलॉजी का विचारधारा इस पर आधारित है कि मानव प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है, क्या मानव प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है। ये शब्द भी किसने प्रयोग किया था, अर्नीस नेस ने, ठीक है। अगला जो शब्द है इकोलॉजिकल, क्या कहते हैं उसे, निकेत, क्या निकेत या नीश, इकोलॉजिकल नीश आप कह सकते हैं। तो इस शब्द का जो प्रयोग किया था उसको ग्रीनेल्स ने किया था, क्या ग्रीनेल्स ने किया था, ठीक है। सो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।